गाइस मैं आपको इतना राज खोलती हूँ। बिग बॉस वाले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्यों नहीं बुला रहे हो? मैं चाहती हूँ कि बिग बॉस की विनर हो पूजा भर। मुझे लगता है वो जीतेगा। गाइज देखो मान्या बहुत दूर से एमपी से स्पेशली यूपी आई है मुझसे मिलने, बट अनफॉर्चुनेटली मैं हूँ ही नहीं वहाँ पे। एंड इसने ये देखो कितने प्यारे प्यारे कार्ड प्रिपेयर किए हैं। अरे जरूर बनोगे यार ना, अभी पढ़ाई वगैरह करो आप। ओके एंड रो मत, ऑटोग्राफ मैं आपसे मिलूंगी ना तब दूंगी, और बहुत सारे हम लोग मस्ती करेंगे। हाय गाइज वेलकम बैक टू चैनल। और ये देखो हालत जो आपको ना मेन चैनल पे कभी नहीं दिखने वाली है। ये देखो मैं तो यहाँ पे ऐसे बैठी हूँ और दीदी की हालत देखो। भाई अड़स की बैठी हूँ, मेरी ना यहाँ पे बैक वाली जिम हो रही है, इसे ऐसे मुझे आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों 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 की जो हमारी बारबी का घर है ना वो ना हम ऐसे लटा के ले जा रहे हैं और पीछे बैठने के लिए बिल्कुल जगह ही नहीं है, क्योंकि ये 6 फुट का है, 6 नहीं 7 फुट का बारबी का घर है इसका। और यार 5 फुट का ही बनवाना चाहिए था जब तुम 4 फुटिया हो। ए 4 फुटिया तो होगी तू, मैं 4 फुट की हूँ। गाइस कमेंट करके बताओ ये 4 फुटिया या 5 फुटिया है। ये जब मैं मेरी बारबी 1 फुट की, कितने फुट की है भाई बारबी मेरी? 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई, ये एक तो मुझे ना ये बहुत टाइम से ये मेन चैनल पे आपको दिख रहा है ओहो बारबी वाला नाश्ता कर लिया, ये कर दिया। भाई बारबी वाला नाश्ता करने के लिए ना हमें इतना दूर एटलीस्ट 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा। 1.5 घंटे का रास्ता है और 2-3 घंटे तो हमें कैफे में लग जा रहा है, इतना सारा शूट करना है तो सब कैफे वाले हमें देख रहे क्या कर रहे हो यार। एक तो यार इतनी भूख लग जा रही है ना, तुरंत भूख लग जा रही है जैसे ही वो खाना मिल रहा है ना। एक तो यार बस ये जो बारबी वाला फूड होता है ना, मैं बता रही हूँ इतना गंदा लग रहा है, बस देखने में अच्छा है भाई। मैं मतलब खाते आए मीठा मीठा क्या है, मतलब देखने में बड़ा सुंदर बनाया है, वाह इससे सुंदर अच्छा खाना तो हो गई नहीं, जैसे मुंह में डाला आए हाय इतना गंदा है। लेकिन अब बार भी चैलेंज कर रहे हैं तो करना तो पड़ेगा ही। और अभी मेरा हाथ बहुत ज्यादा दुख रहा है, और मुझे ना आज मेरा मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है यार। मेकअप के साथ जो हेयर स्टाइल है ना बिल्कुल बार भी फेल कर दिया। और ये देखो चुरमुंडी दिख रही है मेरी, ये देखो गाइज ये नीली नी सॉरी ये कौन सी आंखें हरी हरी, अरे बाप रे नागिन लग रहा हूँ दीदी, ये हरी हरी आंखें बिल्कुल धनिया की तरह है, डू 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 चू चू चू, ये पिंक पिंक बारबी। और गाइज आपको बताया हमने ना इसके ड्रेस के लिए भी इतनी मेहनत की, हम लोग 3 दिन से रोज जा रहे थे कहीं तो मिल जाए कहीं तो मिल जाए कुछ तो मिल जाए, लेकिन नहीं मिला तो हमें ये कस्टमाइज करना। गाइज कमेंट में बताओ, कमेंट में क्या बताओगे आप? गाइज कमेंट में पिंक शीट कमेंट करके बताओ, लेकिन शीट तो ब्राउन कलर का। गाइज मैं आपको इतना राज खोलती हूँ, इस लड़की ने जो लड़की है जो पहले मुझे तो वीडियो में बारबी बनी है, पहले बता उसने, हाँ पहले बता बारबी मूवी तक नहीं देखी है। हाँ हाँ मैंने नहीं देखा यार, बताया हमारा प्लान था कि हम बारबी मूवी देखने जाएंगे। मैंने पता क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि बारबी मूवी में ये जब मैं चैलेंज करूंगी तो बारबी मूवी देखने जाऊंगी, और लेकिन इतना ये लेट हो गया। मुझे मेरे साथ हमेशा होता है जब भी कोई ट्रेंड आता है मैं सोचती ही रह जाती हूँ तब तक वो ट्रेंड जाके निकल भी जाता है, तो वो इतना लेट हो गया कि जो आसपास कल भी हमें मिले थे तो कह रही यार बेटा तुम बारबी वाले ट्रेंड को ज्यादा ही लेट नहीं कर रही हो, ये ट्रेंड तो डेड हो चुका है। सोचो भाई अंकल बोल रहे हैं डेड ट्रेंड बोल रहे हैं कि डेड हो गया भाई मत करो, क्या यार अब क्या कर सकता है, करना तो पड़ेगा। I'm an army girl, that's fantastic. उसका क्या नहीं आता? ए बारबी गर्ल अगर हम लोग हिंदी में गाए तो क्या होगा उसका? मैं हूँ एक गुड़िया, मैं हूँ एक पापी गुड़िया, मैं हूँ एक पापी। गाइस मैं बारबी कम पापी गुड़िया ज्यादा लग रही है ना यार, अगर पापी गुड़िया तो पिछले वीडियो में थी। गाइस मजा आ गया था प्रैंक का बदला लेने के लिए, हाय 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 क्या मजा आया था। मेरे को ये इसको इतनी आदत हो गई है कि दीदी ने इसको पापी गुड़िया समझ लिया और बोले हाथ भी पापी गुड़िया बना दिया कि जो जो ये करेगी वो करना पड़ेगा, लेकिन ये कर ही नहीं रही है यार। इसी बात पे खूब सारा लाइक कर दो ताकि ये करे, बार बार करे, मैं ऐसे करवाऊँ ऐसे इसका हाथ मुंह तोड़वाऊ। बारबी ना बहुत थक गई है, लुक एट माय फेस, बट आई एम अ बारबी गर्ल। गाइज ये देखो बारबी बन के फिर रही है, और ये देखो ये क्या कर रही है, इतनी गरीबी है इसके पास, ये खुद ही से अपना, बहुत डाउन टू अर्थ हो वैसे तुम, अपना काम खुद ही करती है ना ना, और कोई ऑप्शन तो है नहीं तुम्हारे पास जवाब देने का। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बचा लिया दुनिया की नजरों में कि तुम कितना काम करती हो। डाउन टू टाइल्स है, टाइल्स में धस गई है बिल्कुल, और ये अपना काम ये कर क्या रही हो वैसे? देख नहीं रही
ब्लॉगर्स की पहचान गई, दिखते हुए चीजों को। अरे मतलब लोगों को बताना पड़ेगा ना क्या हो रहा है। यार गाइस आप लोगों को समझ में आ रही है क्या कर रही है, क्या कर रही हो बताओ, एक्सप्लेन करो। अच्छा गाइस दीदी भड़क गई, इतनी मेहनत से इन दोनों ने लगाया था और मुझे एक सेकंड हम ही निकाल भी रहे हैं। यार वो एक सेकंड के शॉट लेने के लिए ना आपने देखा होगा वो कैसे लगा पूरा। तो यार ये इतनी बार ऐसी चीजें होती है लेकिन वो कभी दिख नहीं पाता, ये देखो निकल रहा है अब प्रॉपरली निकल रहा है। कहीं ये पता है कौन सी 150 रुपए वाली जो बार भी मिलती है ना वो, ये वो वाली है। तो मैं हूँ 1500 रुपए की सिर्फ बाल बिकने वाली बार्बी, मेरे बाल ही सिर्फ 1500 रुपए के। गाइस मेरे एक कभी आपने देखा है एक बार्बी के बॉक्स में दो दो बार्बी, एक में दो होती है यार, गरीब हो गया। एक में दो महंगा वाला पाया हूँ। मेरी बात सुनो, एक बार्बी होती है और बाकी उसके कपड़े होते हैं, चप्पल होते हैं, जूते होते हैं, ये एक बार्बी होती है, दूसरी उसकी नौकर होती है। दिख रहा है बार दिख रहा है गाइस, ये नौकर की शक्ल की बार्बी कहां से गई, बहुत डरावनी लग रही है गाइस, पास से देखने में बहुत डरावनी लग रही है। भगवान अच्छी नींद आए, भगवान आप भी चला लो, हो गया अब निकल जा मेरे बगले से निकल। नया विला आने वाला, जल्दी आपको देखने को मिलेगा। हाँ कैमरा मैन हमें गिफ्ट कर रहे हैं गाइस, कैमरा मैन हम लोग को गिफ्ट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हमारी तो औकात ही नहीं है। सलमान खान का मूवी शूट करता हूँ। अच्छा उसके पीछे जितने भी कैमरास लगे हैं सब मेरे। क्या यो शिट, इसे गाइस ये सच में बिग बॉस का कैमरा मैन है, ये वीडियो बन रहा है क्या? हाँ नहीं बना रहा, सारी 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 सलमान खान से प्यारा इसका फोटो आया है। भाई मारेगा सलमान खान हमें, हमें कौन सा बुला ही रहा है, बुलाएगा तो डिलीट कर देंगे ये वाला भाई यार नहीं, सलमान भाई आई लव यू सलमान भाई। देखो ये इसका बेचारा देख लो, अगले साल बुलाना है इसको, देखो नहीं बुलाएगी यार मुझे बिग बॉस वाले, अगर अभी वीडियो देख रहे हो तो क्यों नहीं बुला रहे हो? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। मैं चाहती हूँ कि बिग बॉस की विनर हो पूजा भट्ट। जूते मारो भाई, जूते मारो उसको, जूते। मुझे लगता है वो जीतेगा जो वॉइस ओवर करता है बिग बॉस का, अपने आप को ही बोलते बिग बॉस की विजेता है हम, तो क्या ही जाएगा। चलो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हम जा रहे हैं आउट्रो लेने इस वीडियो का। बस नहीं पता है क्या, वीडियो जब खत्म हो जाती है उसके बाद पता है क्या होता है, अभी आप देख लोगे क्या होगा, फोटो जो थंबनेल में आपको कहते हैं थंबनेल देख के ये कैसा थंबनेल है, वो वाले थंबनेल सब लोग अभी लेंगे। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस बिहाइंड द सीन्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो क्योंकि मेरे चैनल को विंडो थोड़ी है। हाँ कर सकते हो, वैसे भी डिसलाइक दिखता थोड़ी है अब। बाय गाइस, बाय बोल लिए गाइस, ये भी बाय बोल लिए। बूम 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 बूम।